अच्छी तरह इसका रास्ता निकाल लें। बिजली का भी मामला है, बड़ा इशू है बिजली का। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि किसानों को खेत की बिजली फ्री दी जाएगी, पानी नहर और जो सरकारी ट्यूबवेल थी वो फ्री कर दी, वो पहले वाली सरकारों ने कर रखी थी, उन्होंने घोषणा कर दी, कोई बात नहीं, धन्यवाद है। लेकिन जो किसान की है, जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, उसमें मीटर लगाने का कौन सा प्रोग्राम है भाई, वो बता दो। मीटर लगा के कौन सी तरह की बिजली फ्री दी जाएगी उस स्कूल का, हमको भी नाम बता दो उस टीचर का जो मैथ का टीचर है कि मीटर लगेगा और बिजली फ्री होगी। वो गणित हमारी जरा समझ में नहीं आया, हम गांव के आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं भाई, गांव के पढ़े लिखे नहीं, मैथ का सवाल नहीं हमारे पास था। मीटर लगा के बिजली फ्री कैसे दी जाएगी वो गणित बता दो हमको भी। आपके घोषणा पत्र में है, पहली ही लाइन में है कि किसान को एग्रीकल्चर बिजली फ्री दी जाएगी, कोई बात नहीं, आपको कह दिया होगा किसी ने। आपको क्या मीटर लगा के उत्तराखंड की पॉलिसी लगाकर लेकर आओगे, उत्तराखंड में भी इन्हीं की सरकार है। क्या हरियाणा की पॉलिसी लेकर आओगे, वहां पे भी इन्हीं की सरकार है, 15 रुपये हॉर्स पावर वहां पे बिजली का रेट है। उत्तर प्रदेश में 175 है, 12 गुना महंगा है। किसान आंदोलन करोगे, आप मुकदमे दर्ज करोगे, दिल्ली के समझौते हुए आप उसको मानोगे नहीं। यहाँ के मुख्यमंत्री भाई किस गलत फहमी में है, समझौता दिल्ली ने किया, हरियाणा ने उसको माना, वहां के मुख्यमंत्री ने माना, किसान के सारे मुकदमे वापसी हुए। उत्तर प्रदेश में नहीं हुए तो ये माना जाए कि योगी जी ने नहीं किए, वहां पे किसानों को मुआवजा दिया गया, 750 किसानों को मुआवजा पंजाब और हरियाणा ने दिया, 55 लाख रुपए दिए। उत्तर प्रदेश में 5 किसानों को छोड़ के करीब हमारे 11-12-15 आदमी और होंगे, 1.5 करोड़ रुपया चला जाएगा। सरकार पे कोई कमी नहीं है, हमको 1.5 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपए सरकारी नौकरी, जो किसान दिल्ली के आंदोलन में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के, उनका चाहिए, चाहिए सरकार से। पंजाब सरकार ने चेक से दिया, हरियाणा सरकार ने बगैर चेक का दिया, कह ले जब लिखत पढ़त में नहीं जाना चाहते भाई, यहाँ पे भी बिना लिखत पढ़त के दे दो, लेकिन देगी सरकार, वो आज दे लो वो 2 साल में दे दो, लेने सरकार से है। वो तो पुरानी कहावत है, सरकार ने दिया तेल पल्ले में गेर, लेंगे सरकार से, आन नहीं छोड़ देंगे कि आन एक बार छोड़ दी और फिर सरकार लपेटे मारे ना, आना तो पड़ेगा फूट में। यहाँ के भी मामले हैं, यहाँ के अधिकारी बैठे हुए हैं, 64% का मामला है, ये जो सड़क बन रही है इसके आसपास की जमीन नहीं जा रही है, इसका मामला है। जिन किसानों की जमीन नहीं गई पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, उसमें रेजिडेंशियल रहने के प्लॉट देने की बात हो रही है, आप वो नहीं दोगे, जिसकी सिफारिश लगेगी उसको दोगे, किसान जाएंगे आप उससे बातचीत नहीं करोगे, आप एक सरकारी संगठन बनवाओगे, वो तो बनाया एक लोग ना गाड़ी में शराब बेच रहे भाई, पकड़ी गई हो, तो क्या इस तरह के संगठन बनवा के आप आंदोलन को खत्म करना चाहते हो? तो ये संगठन चलता रहेगा, पिछले 35 साल से चल रहा है, ये आगे भी चलेगा। अधिकारी यहाँ पर आए, हम अधिकारी की भाषा से पता कर लेंगे कि सरकार का क्या मूड है, हमने भी तैयारी कर रखी उसी हिसाब से। ये इस तरह के प्रोग्राम पूरे प्रदेश भर में होंगे, पूरे देश भर में हम जा रहे हैं, हम ये नहीं कि किसी एक पार्टी के विरोधी हैं हम ना। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिक्कत हुई तो हम छत्तीसगढ़ में भी गए, वहाँ पे भूमि अधिग्रहण का मामला है, नया रायपुर वहाँ पे बस रहा है, 27 गांव को जमीन अधिग्रहण हो रही तो वहाँ पे भी गई, आंदोलन चल रहा है। राजस्थान में अगर किसान की जमीन नीलाम हुई है तो वहाँ पे भी गए हैं हम, वहाँ पे भी हम गए। तो ये है कि सरकारों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, अधिकारियों को बातचीत करनी चाहिए, सरकार से गाइडलाइंस दे, अधिकारी समझौता करता है,
और यहाँ पे नेता समझौता नहीं करता उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे अधिकारियों को फुल फ्लैश पावर है, जो वो कह देंगे सरकारें मुख्यमंत्री बात नहीं उनकी काटेगा। हमारी कभी नेताओं से बात नहीं हुई, हमने जितने भी समझौते किए वे सब समझौते अधिकारियों से किए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना हो, हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे, यहाँ के अधिकारी के ऊपर बहुत एलिगेशन लगे कि भाई किसान यूनियन ने अधिकारियों ने मिलकर वहाँ का समझौता करवा दिया बहुत जल्दी। लेकिन हालात, समय और क्या करना चाहिए था वो वहाँ के अधिकारियों ने भी समझा, हमने भी समझा, सरकार को रिपोर्ट दी और वो बातें मान ली गई। हम गए, जाने के बाद में सिर्फ 55 मिनट में लखीमपुर खीरी का समझौता हुआ। उसमें 11 लोग संयुक्त मोर्चे के थे, हमारे यहाँ के अधिकारी थे, उनको फुल फ्लैश पावर भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, वो समझौता हो गया। और जो अधिकारी कहेगा वो सरकारें काटती रही, पॉलिसी अधिकारी बनाता है। तो यहाँ पे भी अधिकारी से बैठ के बातचीत होगी। आप इतने शांति से 10-15 मिनट आप अपना पट्टो किसी को घूमना फिरना घूम फिर लो, अधिकारी से घोषणा करवाएंगे यहीं पे। आपको थोड़ा बहुत घूमना, माइक अपना बंद हो जाएंगे, थोड़ा बहुत घूमना घूम लो और उसके बाद में फिर बैठ जाएंगे, जो भी घोषणा होगी आपके सामने होगी। अब हमारी जो कमेटी होगी, यहाँ के जो लोग होंगे, इनके जो इश्यू हैं उस पर अधिकारी यहाँ पे बातचीत कर लगा। आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग अपना शांति से, थोड़ा सा अपना बीड़ी बाड़ी तो सबने छोड़ी थी, वो तो चलो ठीक करा आप सब लोगों ने। हाँ तो भाई धन्यवाद आपका, अभी आ रहे बात कर लेंगे भाई। सब लोग यहाँ बैठे रहो, रास्ते आज ही खुलेंगे, रंग लिखते आज ही होगी, अधिकारी करेंगे घोषणा, ना करेंगे तो फिर अगला इलाज होगा। आप सब लोग यहीं बैठ जाओ, जो ग्रेटर नोएडा से, जो ग्रेटर नोएडा से मेरी मातृशक्ति बड़े भाई आए हैं, जिनकी जमीन पर रोज बिल्डोजर चढ़ रहा है, उसका भी अभी क्लियरेंस यहीं से कराया जाएगा।